समय मौजूद हूँ थाना फेज 3 सेक्टर 71 में, जहाँ पर एक व्यक्ति की मृत्यु होने के बाद उसी कंपनी के परिजन यहाँ पर इकट्ठे हैं। आइए जानते हैं घटना के बारे में। रामकिशन जी, आप जब ये घटना घटी उस व्यक्ति आप वहाँ पे मौजूद थे? मौजूद नहीं थे। जिस समय ये घटना घटी मेरे पास किसी कंपनी वाले का फ़ोन आता है लड़कों का, और उस समय मैं जाता हूँ तो मेरा भाई मूर्छित रूप पड़ा हुआ था। उसको उठा करके एक बैलोलपुर गांव में दुर्गा हॉस्पिटल पड़ता है उसमें उसको एडमिट कराया। 3 घंटे तक उसको आराम नहीं मिला। वहाँ से छुट्टी करा के मैं मेट्रो हॉस्पिटल सेक्टर 11 ले गया। मेरा 260 विकेट मालिक को दे दिया, हम लोगों को कुछ नहीं दिया, हमको सिर्फ गेट पास दिया है। हॉस्पिटल से मात्र गेट पास मिला है, 260 विकेट यानी मालिक को दे दिया गया हॉस्पिटल से। और थाने में आके, थाने में भी यानी पहले आ चुका है मालिक, उसके बाद में आ रहा है, तो मालिक से बातचीत हो रही है और मालिक के साथ में दो दो जिप्सी मालिक को छोड़ने जा रही है। थाने वालों ने आपसे क्या बात करी है? थाने वालों ने कोई बात नहीं करी हम लोगों से, कोई बात छोटे और बताओ ये कैसे इनकी परवरिश होगी? अगर हम लोग मांग रहे हैं इसका ना तो कोई फैक्ट्री में किसी का ऐसा ही काट है ना कुछ है, ना तो इनकी FIR दर्ज की गई है, ना किसी प्रकार का कोई आश्वासन जो है पुलिस प्रशासन की तरफ से दिया गया। बदले में कंपनी मालिक थाने में किसी से आपकी बात हुई है? थाने में बात होती है और कुछ लेन देन का जो भी मामला हो। आपकी किससे बात हुई है थाने में? हमारी थाने में बात हुई थी, थाने में दरोगा जी से बात हुई। दरोगा जी ने कहा कि भाई ठीक है इनकी FIR दर्ज करते हैं। FIR दर्ज करते करते सुबह से लेकर शाम तक का समय हो गया, अभी तक कोई FIR दर्ज नहीं हुई और किसी प्रकार का कोई आश्वासन मिल सकता। आपकी मांग क्या है जो आप यहाँ पर खड़े हैं, आपको आप चाहते क्या हैं? हम लोग ये चाहते हैं कि FIR दर्ज हो और कंपनी का मालिक जो अपने घर में AC में आराम से सो रहा है और हम लोग जो सड़क पर बैठ करके मृतक के साथ यहाँ पर परेशान है, और मृतक परिवार को न्याय दिलाया जा सके, या FIR दर्ज हो और पुलिस प्रशासन उसको गिरफ्तार करे, और गिरफ्तार करके जैसे हम लोग परेशान हैं वैसी कंपनी मालिक के थाने में होना चाहिए। जैसे कि आपने देखा कंपनी के दौरान व्यक्ति की मृत होने पर सुबह 11 बजे से सेक्टर फेज 3 के 71 थाने में इन्होंने गेट पे बॉडी को रख रखा है। प्रशासन और कंपनी के मालिक के बीच में जो भी बात हुई है वो यहाँ तक अभी तक नहीं पहुँची है। प्रशासन ने अभी तक इनकी कोई भी मांग नहीं सुनी है और ना ही इनको कोई आश्वासन दिया है, इसलिए इन्होंने रोड जाम कर रखा है अपनी मांगों को लेकर। मांग इनकी बस यही है कि छोटे छोटे जो 3 बच्चे हैं उनके पालन पोषण कैसे किया जाए। अपने सहयोगी के साथ प्रभाकर दुबे, NIT 27 नोएडा।